धोखा से। उस एजेंट के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके वजह से पूरी फैमिली तबाह हो गई है, तो उसके ऊपर इतनी ऐसी सजा होनी चाहिए कि और भी जो भी इंडिया में एजेंट है उन लोग का रोआ कांप जाए कि अभी किसी फैमिली के और किसी लड़के के साथ चंद पैसों के लिए धोखा ना दें, क्योंकि एक एजेंट ने थोड़े से पैसों के लालच में पूरी एक फैमिली को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, आज रास्ते पे ला दिया है। दोस्तों नमस्कार, सलाम अलैकुम। आप लोग को मालूम होगा कि मैं अभी ओमान में जॉब करता हूं, और मैं आप लोग को पहले भी बोल चुका हूं दोस्तों, आप लोग किसी भी ऑफिस का या किसी भी एजेंट का वीडियो देखकर आप लोग उस पर एक बार में भरोसा मत करो। क्या पता वो आपके साथ या किसी और के साथ वो फ्रॉड किया हो या करने वाला हो दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग को हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी एजेंट को या किसी भी ऑफिस के बारे में जानना है तो पहले लोगों से पता कीजिए क्या वो ऑफिस वाला क्या है, वो एजेंट लोगों को साथ फ्रॉड किया है, क्या वो अच्छा काम करता है, तब भी आप लोग उससे काम कराइए दोस्तों। क्योंकि जब हम लोग घर पे रहते हैं ना, तो हम लोग को इतना ज़रूरत रहता है जॉब का कि हम लोग किसी के बारे में गलत सोचते ही नहीं है, सोचते हैं यार चलो नहीं ये बंदा अर्जेंट है, ये ऑफिस वाला है, लोगों को भेजता है, मेरे को भी भेज देगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ऐसे ही हम लोग धोखा खा जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग तो किसी से पूछते नहीं है, डायरेक्ट वीजा देखे यूट्यूब पर और उसके पास कॉल किए, भाई आपके पास वीजा है, वो बोलेगा हाँ आइए मेरे ऑफिस पे, और हम लोग चले जाते हैं और हम लोग के साथ फ्रॉड हो जाता है दोस्तों। ये लोग बोलते हैं आपको हम लोग कंपनी भेज रहे हैं और भेज देते हैं सप्लायर में दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोग को मेरे गाँव से 20 किलोमीटर फाजी नगर है, वहाँ का एक घटना है, अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे दोस्तों तो आप लोगों को कुछ समझ आ जाएगा ये एजेंट वाले कितना साला बेहुदा होते हैं, जो आपको मालूम चल जाएगा दोस्तों। एक एजेंट के वजह से अभी वो पूरा घर वाला तबाह हो गया दोस्तों, अपना खेत भी वो बेच दिए हैं, क्योंकि वो बोला था एक लड़के को हम आपको कंपनी में भेज रहे हैं सऊदी अरबिया टेलर चलाने के काम में, और वहाँ पे वो भेज के अभी वो ऊँट चरवा रहा है दोस्तों, और 1,20,000 रुपया लिया है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे बात आप लोग से हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। 17 तारीख हो एजेंट क्या बोल के भेजा था अम्मा? कंपनी के वीजा देता नहीं, बोला था कि बड़ी वाली गाड़ी आपको वहाँ चलाना है, इसी के लिए वीजा निकाला और भेजा उनको। कितना रुपए लिया था भेजते समय? 1,20,000 रुपए ले। ये वीडियो देख लिए दोस्तों, एक कंपनी में बोल के भेजा था और 1,20,000 रुपया लिया है दोस्तों इस गरीब आदमी से, ठीक है। और आगे आप लोग देखिए वो कौन सा काम वहाँ पे दिया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को पूरा मालूम चल जाएगा एजेंट लोग कैसे हम लोग के साथ धोखा देते हैं दोस्तों। इसीलिए बोलता हूँ किसी पे आजकल विश्वास करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट जाइए बम्बे दिल्ली, वहाँ पर जाके 2-4 दिन घूमिए, पता कीजिए, फिर किसी ऑफिस से आप लोग काम कराइए दोस्तों, ठीक है। एक वीडियो आप लोग और देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी में बोल के टेलर के काम में बोला था और वहाँ पे जब भेजा तो वहाँ कपिल जो गया है वो कपिल ऊँट चराने के लिए उनको भेज दिया है। वो कभी ऊँट चरा, बकरी ऊँट ये सब चराए हैं यहाँ पे? जो ड्राइवर के वीजा में थे, ड्राइवरी करते थे, उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा धोखा दिया है ये एजेंट ने दिया है। लड़का आप लोग देख लिए दोस्तों, एजेंट लोग कितना झूठ बोलते हैं आप लोग को मालूम चल गया ना। ऐसा ही वीडियो आप लोग एक और देखिए, ये भाई को एक लड़का था और 6 बहन है, यही सोच के गया था कि मैं गल्फ में जाऊंगा तो मैं अपने बहन लोग का घर का स्थिति थोड़ा सुधर जाएगा, बहन लोग का शादी करूंगा दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए वीडियो में आप, ये एजेंट ने दिया है। एक ही लड़का हमारा है, 6 लड़की है, एक ही लड़का है, एक ही लड़का है, देख लीजिए। कमाने वाला घर पे एक ही लड़का था, 6-6 लड़कियां हैं, और उस लड़के के साथ इतना बड़ा धोखा और स्कैम किया है उस एजेंट ने, उनको फंसा के भेज दिया 1,20,000 रुपए लेके। वो सऊदी में जा गए हैं, चले गए हैं, वहाँ पे उनसे कपिल ऊँट चरवाने का काम करा रहा है। और तो और दोस्तों, जब वहाँ पे वो लड़का फंस गया है दोस्तों ना, तो ये लोग कपिल से बात किए तो कपिल बोला मेरा वीजा का पैसा आप लोग दे दो और हम आपके लड़के को यहाँ से भेज देंगे। वो 1,20,000 रुपया घर वाले
यहाँ से सऊदी भेज दिए हैं बस अपने लड़के को बुलाने के लिए, लेकिन जब पैसा कपिल पा गया दोस्तों ना, तो अभी वो फोन नहीं उठा रहा है, मालूम नहीं कहाँ पर है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है दोस्तों। ठीक है, बताइए 1,20,000 रुपया एजेंट लिया और 1,20,000 रुपया उस कपिल को दिया गया जो वो बस लड़के को घर भेज दे दोस्तों। ठीक है, मांगा है फिर 1,15,000 रुपया यदि आई बात 1,15,000 रुपया और मांगा उनको घर बुलाने के लिए, घर बुलाने वहाँ सऊदी में जमा हो गया 1,20,000। ये हुआ कि वहाँ पैसा जमा कर दो, वहाँ से आपका कपिल छोड़ देगा, लेकिन पैसा जमा करने के बाद कपिल मोबाइल नहीं उठा रहा है। देखे दोस्तों, ये बताइए, हम लोग जब गल्फ में आते हैं तो कुछ पैसा लगा कर आते हैं, लेकिन जब हम लोग को साथ फ्रॉड हो जाता है तो कितना घर वाले परेशान होते हैं ये हमको मालूम है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग जहाँ भी काम कराइए बहुत सोच समझ कर आप लोग काम कराइए दोस्तों। ठीक है, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ ये न्यूज वाले भाई को, ये बहुत अच्छा बात बोले हैं, ऐसे अर्जेंट और ऑफिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए दोस्तों, कि वो और किसी भाई के साथ फ्रॉड ना करे दोस्तों। ठीक है, ये भाई का बात भी आप लोग सुन लीजिए। एजेंट के झांसे में आके भेज दिया धोखा से, उस एजेंट के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके वजह से पूरी फैमिली तबाह हो गई है, तो उसके ऊपर इतनी ऐसी सजा होनी चाहिए कि और भी जो भी इंडिया में एजेंट है उन लोग का रोआ कांप जाए कि अभी किसी फैमिली के और किसी लड़के के साथ चंद पैसों के लिए धोखा ना दे, क्योंकि एक एजेंट ने थोड़े से पैसों के लालच में पूरी एक फैमिली को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, आज रास्ते पे ला दिया। सुन लिए भाई, ये भाई बहुत अच्छा बात बोले, आप लोग के भी साथ अगर फ्रॉड होता है तो आप लोग डायरेक्ट जाकर पुलिस चौकी में उसके ऊपर FIR कीजिए दोस्तों, कि कम से कम उसको मालूम चल जाए कि जनता अब जाग गई है, अब हम लोग जनता के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्या होता है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैं कुछ नहीं किया, किसी और के साथ वो कल फ्रॉड करेगा वो भी कुछ नहीं बोलेगा, अगर हम लोग ऐसे ही FIR करते जाए ना, तो आने वाला वक्त में एजेंट और ऑफिस वाले लोगों को साथ फ्रॉड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जिसके साथ घटना हुआ है उनका माँ बाप अभी उस एजेंट पे FIR कर दिए हैं, वो अभी घर छोड़कर भाग गया है दोस्तों। ठीक है, वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिए, FIR किए हैं आप लोग, अभी दरखास्त डाला गया है, अब तो वो भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, जब पैसा लेना था तो उसी से पीछे पीछे घूमता रहता था, पुलिस छापा पड़ल बने सर तो भाग गए बने घर छोड़ के। क्या मांग है सरकार, आप लोग देख लीजिए दोस्तों वीडियो, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग किसी भी एजेंट पे किसी ऑफिस वाले के वीडियो देख के उस पर भरोसा मत करो, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है दोस्तों तो आप लोग डायरेक्ट पुलिस चौकी में जाके उसके ऊपर FIR कीजिए, कि आने वाला वक्त में वो और किसी भाई के साथ फ्रॉड ना करे दोस्तों। ठीक है, और आप लोग के साथ किसी ऑफिस वाले ने फ्रॉड किया है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो बना के भेज सकते हो, कि कम से कम और भाई लोग देखें तो वो ऑफिस वाले से उस एजेंट से बच के रहें, उन लोगों के साथ फ्रॉड ना हो दोस्तों। ठीक है, और आप लोग कुछ जानना चाहते हैं ओमान के बारे में, सऊदी के बारे में, गल्फ के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।